Started my CSS in 2018 मैंने मास्टर्स किया था केमिस्ट्री में देन आई डिड मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस कॉन्सिक्वेंटली आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एस एस एंड 2020 में मैंने पहली दफ़ा पास किया उसमें एलोकेशन नहीं हुई वन नाइनटी सेवन स्कोर था उसकी भी कुछ वजुआत थी सॉरी वन नाइन्टी सेवन मेरिट आई क्वालिफाइड पी एम जी उसमें भी एलोकेशन नहीं हुई दैन आई टे गुड फाइव टू सिक्स ईयर्स तो उसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे कुछ चीज़ें देखी कुछ एनालिसिस किया कुछ आप के साथ जो शेयर भी करेंगे आज पहली बात तो यह है कि फिलासफी एक बड़ा ही नॉन ट्रेडिशनल सा सब्जेक्ट है इसमें क्रैमिंग बिल्कुल नहीं है कुछ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक टॉपिक्स हैं और इसको एक प्रिपेयर करने का मेथड है पहली अटैम्प्ट में अनफॉर्चुनेटली मैंने नहीं रखा ये सब्जेक्ट जिसका मुझे बड़ा रिग्रेट भी था और <coughs> मैं एलोकेशन भी हासिल नहीं कर पाया उस वजह से सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने वेन आई डिसाइडेड टू आट फॉर द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट की एक बहुत बड़ी मिथ्स भी हैं फिलोसफी भी है उसको रखने का एक पैटर्न भी है देखना पड़ता है कि क्या चीज़ें हैं प्लस जो जब उसको पढ़ाया जाता है तो इस तरह से पढ़ाया जाता है या तो उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग दी जाती है या फिर बेसिकस पढ़ा दिया जाता है कि जी ये आप कर लें ये कॉन्सेप्ट हैं मैन जब मैं एस पेरेंट्स था वापस जाता था तो मुझे लगता था यार वाई आई एम टेकिंग दिस कोर्स वाई आई एम दिस कोर्स कि यार जब कवर uh, ही नहीं हो रहा कोई बेसिक क्लास तो नहीं है सो कंसिडरिंग दिज टू फैक्टर्स जो भी मैं पढ़ाता हूँ ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ाई है पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ाया है फिलासफी के एक दो सेशन पहले थे उसमें आई ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी थिंग इन द क्लास ताकि आपका जो मेरे साथ मेरे पास अगर आए हैं तो बाई द एंड ऑफ द डे आपका सेवेंटी टू एटी परसेंट जो कोर्स है वो प्रिपेयर हो आपके नोट्स हों प्लस आपके जो एग्जाम के एटलीस्ट क्वेश्चन हैं पास्ट सिक्स सेवन एट ईय या डायनामिक्स या डोमेन्स जिनको वो कवर कर रहा है, ट्रेडिशनली क्या होता है आप एक 200 मार्क्स का पॉलिटिकल साइंस रखते हैं या आई रखते हैं ज्यादातर तो लोग पॉलिटिकल साइंस की तरफ जा रहे थे फिर उसके बाद आपको कुछ सब्जेक्ट्स को चूज करना पड़ता है चार जिसमें एक जो मैं रिकमेंड करता हूँ पंजाबी रखें फिर उसके बाद जेंडर स्टडीज रखें अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड है इन्वायरमेंटल पे जाएं देन गो फॉर द फिलॉसफी अब फिलॉसफी में एक जो सबसे बड़ा यह अच्छी चीज़ है दैट इज दिस के आपका दो ट्रेंड्स होते हैं जी एक अपर स्कोरिंग ट्रेंड होता है एक लो स्कोरिंग ट्रेंड होता है जी लो स्कोरिंग ट्रेंड क्या होता है कि आपने सुना होगा कि सब्जेक्ट हिट हो गया हिट हो गया मतलब कि यानी इसमें स्कोर कम आया है तो अक्सर आप देखेंगे कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे यूएस हिस्ट्री है क्रिमिनोलॉजी है या दूसरे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे अगर आपको पेपर अच्छा भी आता होता है तो आपका स्कोर फोर्टीज़ में आता है अब बीस नंबर का जो डिफरेंस होता है स्पेसिफिकली इन द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपके सिक्स एटी हैं आपका ट्वेंटी मार्क्स कम आए सेवन एटी हो जाता है तो ये वो सब्जेक्ट है जो आपको स्टेबिलिटी देता है ब्लस इसके लिए टाइम जो है ना जो स्पेसिफिकली अभी मैं आपके साथ नोट्स भी आगे शेयर करूंगा कि एक सैंपल मैंने अपने पास बना के रखा है जो किस तरह से हम उसको प्रिपेयर करेंगे या किस तरह से विद इन द क्लास में आपको वो नोट्स क्योंकि वीकेंड पे क्लासेस यूजली होंगी हमारी फ़ोर टू एट वीक्स में हम लगा के इसको कवर करने की कोशिश करेंगे कि आपकी वो वहाँ पे कंटेंट की अवेलेबिलिटी का मसला ही खत्म है धैन उसके बाद कंसंट्रेशन फिनोमेना फिन कितने लोग इसको ऑप्ट कर रहे हैं वो भी मसला नहीं है कि लोग डरते हैं इससे लेकिन हालांकि डरने वाली कोई बात नहीं है चंद एक बेसिक चीज़ें हैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं आ, कोई एक नया मजमून पढ़ना चाहता हूं तो उसकी जारगन्स हैं उसकी वो चीज़ें हैं तो अगर तो आप इसमें कंसिडरेबली अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो सेवनटी स्कोर आपका मस्ट है अगर आप थोड़ा और अच्छा इस पर एफर्ट करते हैं तो आपका एटी आ जाता है लेट मी गिव यू दिस वेरी ब्रीफ ओवर व्यू ऑफ स्कोरिंग माइथोलॉजी पाकिस्तान अफेयर में आपका फोर्टी आएगा करंट अफेयर में फोर्टी आएगा एस में फोर्टी आएगा हार्डली आपका अगर जी का पेपर अच्छा हो रहा है सेवेंटी एटी आएगा सब का आएगा वही उसके बाद आपके पास प्रेसी में आपके पास फोर्टी से फिफ्टी आएगा बट दीज आर दो सब्जेक्ट स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम पंजाब इवन अब वहां पे जो कोटा सिंध बलोचिस्तान है वहां पे भी ये फिनमोना चलना स्टार्ट आ गया इफ़ यू वॉन्ट टू बी अमंग द टॉपर्स तो यू हैव टू ऑप्ट वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स के यहाँ पे ये सारी चीजें मौजूद हैं। तो फिलोसफी इन माय पर्सनल ओपिनियन जो मैंने पहली अटम्प्ट में केमिस्ट्री रखी थी इट वाज माय बेसिक डिग्री। सेकेंडली मेरा अब साइंस से तो था और मेरा फिलोसफी से कोई लेना देना ही नहीं था एंड आई केम एंड आई पेपर बड़ा अनऑर्थोडॉक्स uh, uh, था उसमें uh, बड़ा उसने टफ बनाया लेकिन 70. एक हिट हो के सब्जेक्ट में आप सेवनटी ले रहे हैं आई गॉट सेवन 11 स्कोर और उसमें से अगर आप बीस तीस निकाल दें तो आई एलोकेटेड टू आई आर एस एनी अदर ग्रुप सो हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो देडर के यार दिस, दिस में जाएंगे तो अभी आप अगर टॉपर्स का भी उसको अनालिसिस करेंगे दो हजार तेईस का जो एग्जाम हुआ चौबीस का आएगा दे यूजली प्रेफर दो सब्जेक्ट्स जो नॉन ट्रेडिशनल है वो उन सब्जेक्ट्स में मेहनत करते हैं और वहां से उनकी एलोकेशन आती अच्छा जी उसके बाद क्या है जी अगर इसकी हम इसको देखते हैं हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है अनडाउटडली एम की एक लिस्ट है फिर उसके बाद अगर आप क्रैमिंग नहीं है फॉर एग्जाम्पल मैं पूछता हूँ कि ये दुनिया क्यों बनी अगर हम उसको क्लास में डिस्कशन कर लेते हैं आप उसको डिस्कशन को मोल्ड कर लेते हैं अब जिन्होंने पोलिटिकल साइंस के फ़िलासफर्स पढ़े होंगे अब जब तक आप फिलासफ़ी को नहीं पढ़ते आपको वो फिलासफर्स भी नहीं समझ आते लिमिटेड सिलेबस है मतलब वही चार से पाँच छः डोमेन्स हैं जिनको हम करेंगे देखेंगे देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका इंटरव्यू बड़ा फिलोसफिकल इन नेचर हो जाता है सी थ्री हंड्रेड मार्क्स आपके इंटरव्यू के हैं और आपको ये एनालिटिकल स्किल्स आपकी इंप्रूव करता है फॉर एग्जाम्पल आपको पोलिटिकल साइंस में भी हेल्प आउट कर रहा होगा एस में भी हेल्प आउट कर रहा होगा देन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स अच्छा इसको ऐसे भी देखा जा सकता है इसको ऐसे भी देखा जा सकता है ठीक है अब अगर हम डायरेक्टली उस पर आते हैं डीएमसी पे ये, ये देख सकते हैं आप कि इन्होंने हिस्ट्री ऑफ यू रखा उसमें फोटी सिक्सटी वन था फिर सॉरी फोटी थ्री था दैन कंपैरेटिवली अगर फिलासफ़ी और पंजाबी के मार्क्स यहाँ से निकाल देते हैं तो ये जो है इनकी पोजीशन बिल्कुल नीचे आ जानी थी और उनकी अपना एलोकेशन शायद किसी नीचे वाले ग्रुप में होती इस साइड पे आप देखें फ़िलासफ़ी में आपके पास सेवेंटी सिक्स हैं तो अगेन फिफ्टी सेवन है ये आप देखें जी मेरिट नंबर ट्वेंटी है She got 79 in philosophy. तो देखें ना ये ये वाला वो है जो मैं यूजली रिकमेंड करता हूं ब्रिटिश हिस्ट्री पे जाए जेंडर स्टडी है पंजाबी है, है, हैं ऊपर में देखें यहां पे भी आपका एस ए में फोर्टी फोर्टी उसके बाद general science and ability में जनरलिटी है है, है, और यहां पे साइड पे आप देखें अगेन आपके पास फिलोसफी जो है वो सेवेंटी उसके बाद जी इसका शॉर्ट सिलेबस है इट इज स्कोरिंग एंड स्टेबल अगर हम इसको देखते हैं बेसिकली ये एक एक पोर्शन में हम करते जाएंगे जी है, 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 ये फिलोसफिकल मेथड्स है पिस्टमोलॉजी है ऑन्टोलॉजी है यानी बिल्कुल हम इसको एक रिलेटेड वे में करेंगे तो आप ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और अगर आप पॉलिटिकल साइंस में जा रहे हैं तो आपका वो भी यहाँ से कवर होता है ठीक है जी यानी अगर आप इसको देखें कुछ सात से आठ बनते हैं इस आठ को ज़्यादा अगर आप एक्सपेंड कर लें तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे आप एक सोक्रेटिक मेथड है सोक्रेटिक मेथड में क्या होता है कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल सोकर ने इंट्रोड्यूस करवाया उसमें डिबेट होती है इसको काउंटर करने के लिए इंडक्टिव मैथड आएगा इसको काउंटर क्लिक करने के लिए डिरेक्टिव मेथड आएगा जिसमें मैं फॉर एग्जांपल आपको यहीं पे एक मिसाल देता हूं अब ये आपके जो मेथड हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसका जो डिटेल एनालिसिस है इस तरह आपको मैं जो अपने कुछ नोट्स भी मेरे पास पड़े हुए थे फिर उसके बाद किस तरह से इस तरह से आपको वो नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दूंगा कि कंपैरिजन क्या है किस तरह है फिर कोर्ट्स उसमें किस तरह लिखनी आपने इंडक्टिव मेथड में क्या है उसने क्या बात की उसमें किस तरह से चलते हैं तो हर क्लास के बाद आपको ये मैं प्रोवाइड करूँगा ताकि आपका वो जो एक मसला होता है जी फिलहाल बुक को पढ़ लें ये कर लें वो कर लें हाँ एडिशनली आपको रीडिंग्स मैं दूँगा तो वो ये आपका इस तरह से जो एक लेक्चर है उसमें ये चीजें इस तरह से कवर हो जाएंगी देख डिटेल आपका उसमें क्वेश्चन क्या आ सकते हैं वो भी उस पर बात करूंगा मैं आपके साथ अच्छा जी ये हमारे सिलेबस का है ठीक अच्छा अब कंपैरिजन करते हैं तो ऑलमोस्ट अगर आप ये देखें तो जेनेसिस ऑफ मुस्लिम थॉट है है मुस्लिम फिलासफर है कंटेम्प्रेरी डिबेट्स है तो यहाँ पे आप हंड्रेड मार्क्स का कर रहे हैं तो वहाँ आपका टू हंड्रेड मार्क्स का जो है वो सारा यहाँ से कवर हो जाता है चाहे वो किसी भी पी में हो अगर हम पास पेपर का एनालिसिस करते हैं तो ये पहले में देखें जी हम मेरा मेरा मेथड ये है बेसिकली मैं जिस तरह मैंने खुद तैयार किया जो मेरे लिए चेंजिंग मोमेंट था कि डिफाइन फिलासफी एक्सप्लेन इट्स मेन ब्रांचेज वट इज़ फिलोसफी डिस्कस इट रिलेशन टू साइंस डिफाइन फिलोसी वट इज़ रिलेशनशिप वेर रिलीजन डिफाइन फिलोसि वट इज़ इट्स रिलेशनशिप विर रिलिजन ठीक है उसके बाद ठीक है जी सो so, उसके बाद आपके पास अगले पे अगर हम जाते हैं फिलोसफिकल मेथड में जी 2016 में सोक्रेटिक मेथड आया डिडक्टिव मेथड आया मिल्क आ गया डिस्कस आ गया यानी ये सारा हम इसको करेंगे फिर अपेस्टोमोलॉजी में देखें जी डिडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड में डिफरेंस क्या है कांट का ट्रांसजेंडरिज्म क्या है एम्पेरिसम क्या है उसके बाद फिर काट का गया फिर आ गया फिर उसके बाद डिकॉट आ गया उसके बाद ये भी डिकाट का आ गया यानी आप यहाँ से भी इवन एनालाइज कर सकते हैं कि आपके पास वही चीज़ें आ रही होती हैं रेपटिशन है, है। यानी यहाँ से आप दो तो क्वेश्चन करते हैं तो आपका तीसरा क्वेश्चन भी हो रहा है फिर ऑनटोलॉजी में हैगल का मैसड क्या है जी उसके बाद फिर हैगल का आया हुआ है फिर उसके बाद बर्कले का आया हुआ है फिर बर्कले का आया हुआ है फिर जॉन लॉक का आया हुआ है फिर उसके बाद आपके पास जो एक एवेरॉस है उसका आया हुआ है एथिक्स में आप देखें जी एथिकल इगोइज्म क्या है यानी एथिक्स में आपके पास पूरा आ, जो है वो एक क्वेश्चन हर साल आ रहा होता है तो यानी नहीं बात की आपको मिल भी जाएगा बात करने का मकसद ये है कि जो हमारे यहाँ एक मिसकसेप्शन पाई जाती है ना जी कि किस तरह से इसको करना है या इसमें कोई बड़ा मुश्किल या कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ें आ जाती हैं तो वो आपके पास उस तरह से नहीं होती हम उसको करेंगे इस वे में कि आपको वो चीजें एग्जाम के परस्पेक्टिव से यानी सिंस यू आर लेफ्ट विद ओनली फोर टू फाइव मंथ्स तो हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू अपेयर इन दिस नेक्स्ट अटेम्प्ट हैंड रेज करें जी लेट्स सी हाउ मेनी कितने लोग आप लोगों में से तो आई थिंक दिस इज एन आइडियल टाइम के जब आप जो है वो अपना सब्जेक्ट एक प्रिपेयर या तैयार कर सकते हैं जब अगर यहाँ पर अभी क्लास ले रहे हैं तो इसका मतलब है यू विल स्टिल बी नॉट श्योर कि कौन सा सब्जेक्ट करना है इवन अगर आप पी जनवरी में आ रहा है उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं इवन अगर आप नेक्स्ट ईयर सोच रहे हैं तो अभी से आपका एक सब्जेक्ट तैयार हो जाता है उसको आप वैल्यू एडिशन जो है वो कर सकते हैं फिर मुस्लिम थिंकर्स हैं जी अल गजाली है फ़्राबी है शाह वली पे आपके पास दो से तीन दफ़ा क्वेश्चन आया है देन गज़ाली पे फिर आया है ये मतलब मोर लेस आपके पास क्या है रेपिटिशन है जी अब आप पे ये डिपेंड करता है कि आपको पहले एग्जामिनर क्वेश्चन बता रहा है कि ये वाला क्वेश्चन आएगा आप उसको किस तरह से करते हैं जी ये जी आपके पास एक हमारा छोटा सा एक मेथड है जिसमें लर्निंग ए स्टोरी होगी उसके बाद नोट्स और स्लाइड और एक आपका एक या दो हम ग्रैंड मॉक जो है वो कर लेंगे अच्छा जी बेसिक थोड़े से कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं आप ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए हमेशा मैं यहीं से शुरू करता हूँ अब सर्डिजम अब सेलिब्रिटीज़म आपके पास क्या होता है कि ये एक ऐसा आइडिया है कि आपका लाइफ में कोई मीनिंग ही नहीं है अक्सर आप सोचते होंगे बैठते होंगे ओ यार वट शुड आई डू सी एस एस ना हुआ तो क्या करूँगा सी एस एस हो गया तो क्या करूँगा चीज़ों को किस तरह ले कर चलूँगा सो दिस इज अब्सरडम अब फिलासफी में बड़ा एक क्वेश्चन ये रेलिवेंट क्वेश्चन है जी कि हम किस तरह से इसको करेंगे क्या आपके पास जो है वो चीज़ें होंगी सौकरात आया उसने पूछा उसने पूछा जैसे अब अगर आप आइडियल स्टेट की बात करते होंगे पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ा होगा दैन उसके बाद आपने ये सुना होगा कि जी फिलोसफर किंग होना चाहिए अब ये सारी बात कब बात वो कहते हैं कि कैसा इंसान होना चाहिए जिसको सारी चीज़ें पता हो देन स्थेटिक्स का आपको पता है एनालिटिकल फिलासफी क्या है कि आप केयरफुली अपने आइडियाज और वर्ड्स को देखते हैं कैजुअलिटी कि एक चीज़ क्यों हो क्यों नहीं आपके पास उसकी रीज़न क्या है फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ तो बोलने में अब फिलासफ़र कहते हैं कुछ कहते हैं जी आपके पास माइंड में आपके पास पहले से आइडियाज होते हैं उन्हीं को बार बार आप देख के कर रहे हैं कुछ कहते हैं जी आप एर्दग गिर्द सेंसेस से आप देखते हैं सो आपने करना क्या लिखना यह है कि जी फिलं फिलासफ़र ने कहा था कि एम्पेरिसज के थ्रू आएगा सेंसली एक्सपीरियंस के थ्रू आएगा उसके बाद डायलैक्टिक्स क्या है कि आप दूसरे से बात करते हैं देन वो काउंटर बात आती है देन दैट्स हाउ यू प्रोसीड फिर आइडियलिज्म है जी एक है कि जी एक साइड पे आइडियलिज्म है कि दुनिया आइडियलिज्म है आइडियल है जी एक आपके पास आउटर वर्ल्ड है दुनियावी दुनिया, दुनिया सॉरी एक आपके पास हायर वर्ल्ड है ठीक है जी <coughs> फिर मटीरियलिज्म है कि जो कुछ है दुनिया में वो यहीं पर आपके पास एग्जिस्ट करता है ठीक है मेटाफिजिक्स क्या है कि हमने ये क्वेश्चन करना है अपने आप से व्हाई आर वी हेयर सो ये क्या है कि अगर हम इसको अच्छे से पढ़ा पढ़ा जाए तो दैट इज आल्सो इंटरेस्टिंग कि जैसे नियरलिज्म है वो निलिस्ट कहते हैं कुछ मैटर ही नहीं करता ऑन्टोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि अच्छा क्या चीजें हैं क्या उनका मतलब क्या है प्रैग्मेटिज्म क्या है कि हमें बेस्ट वे में जो चीज है उसको किस तरह से किया जा सकता है रैशनैलिटी है कि आप अपने माइंड को किस तरह यूज करते हैं रियलिज्म आपके पास दुनिया दुनिया है Skepticism है स्केप्टिसिज्म कि जी आप ये देखते हैं कि हर चीज को आप डाउट करो ठीक है हर चीज को आप क्या करो डाउट करो कि ये चीज एग्जिस्ट करती है क्यों करती है इसकी वजह क्या है यही वो बातें हैं जो सारी आपने लिख देनी है उसमें लिखनी है और आपने बताना है कि जी ये चीज इस तरह से किस तरह से तरह एक प्लेन डिस्कशन है जी पे स्टोइम है आपने सुना होगा टेलियोलॉजी है स्टोइज क्या है कि आपने स्ट्रांग रहना है टफ रहना है नो मैटर वट बी गुड लाइक दिस यूटेलिटेरियनिज्म है थीज्म है क्या हाइयर पावर ए होता है गॉड पर बिलीव ना करना थीजम है गॉड में बिलीव करते हैं अब गॉड पे बिलीव करने वालों के अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं गॉड पर ना बिलीव करने अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं रियूटिटेरियनिज़म है कि आप ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अच्छा इसकी ये यूटिलिटी है तो मैं ये काम करूँगा इसकी यूटिलिटी है कि भाई मैं नहीं काम करूँगा एब्सोल्यूटिज्म है कि चीज़ें एब्सोल्यूट होती हैं अच्छा या वो गलत होती हैं या ठीक होती हैं रिलेटिविज्म ये है कि आप ये सोचते हैं कि अच्छा ये ठीक है अच्छा वो भी तो ठीक कर रहा होगा ना मतलब हम रिलेट करके कर रहे होते हैं फिर डुअलिज्म है कि दो दुनिया में एग्जिस्ट करती है मोनोइज्म है बिलीविंग दैट एवरी थिंग इज़ जस्ट वन थिंग वादतुल वजूद और शहूद का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा ठीक है जी सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स जैसे जैसे हम टॉपिक्स को करेंगे तो उसमें हम पहले एक स्लाइड पे या दो स्लाइड्स में बोर्ड पे भी लेक्चर्स होंगे एक दो स्लाइड पे हम जो है वो देखेंगे कि क्या चीज़ है जो किसको हमने किस तरह से करना है हाँ अभी उस तरफ जाएंगे अतिया अतिया जाएंगे जाएंगे अभी अच्छा जी अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन या थोड़ा सा हम पढ़ेंगे बाकी इंशाल्लाह जब फॉर्मली हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी कल से या वीकेंड पे हम जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम इसको देखेंगे अच्छा जी अब हम बात करते हैं कि डेफिनेशन ह्यूमैनिटी जो है आपके पास शुरू से उसको उसमें क्यूरोसिटी थी कि जो अननोन है फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है वो स्टार्ट हुआ उसने आग जलाई दो पत्थरों को रगड़ा तो उसने कहा कि ये जो मैंने पत्थरों को आपस में मिलाया है तो ये क्यों मतलब आग क्यों जली है मतलब हम हमेशा से हमारे अंदर एक चीज पाई जाती है कि आपके पास हम सेंस बनाए ठीक है सेंस बनाए तो फिलोसफी आती है फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी मैं 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 बड़ा परेशान हूं तो फिलॉसफी ऑफ रिलीजन ये कहती है कि आप दुआ करें अल्लाह ताला की तरफ जाएं तो क्या होता है कि आप वो अच्छे हो जाते हैं देन फिलॉसफी ऑफ मैथमेटिक्स क्या है कि आपने प्रॉब्लम देखी कि प्लस फोर कर लिया फिर आपने देखा कि फिलासफी ऑफ साइंस क्या है कि आपने एक चीज गिरते हुए देखी आपने वो बना लिया सो फिलासफी क्या है इट इज करेक्टराइज बाई ब्रॉड सब्जेक्ट यानी हर जगह बेटा मैथ्स में है उसके अलावा आपके पास साइंस uh, में है आपके पास ईच एंड एवरी थिंग इसकी लास्ट लाइन पर है इट प्रोवाइड सिस्टमैटिक आंसर टू एंडलेस इन क्या आपकी एग्जिस्टेंस क्या है नॉलेज क्या है एथिक्स क्या है रियलिटी क्या है आप में से कोई बता सकते हैं नॉलेज क्या है कैन एनी वन टेल के नॉलेज क्या है एनी वन परसेप्शन है ठीक है नॉलेज आता कहाँ से किस जगह से आता है नॉलेज है क्या ठीक है अब ये देखें ना ये सारा आपका अब किसी ने कहा नॉलेज द प्रैक्टिकल क्रिटिकल एनालिसिस है नोइंग अन नोन थिंग्स है ये सारा आपको फिलॉसफी की तरह से फिलॉसफी की वजह से पता चला जो आपके इर्द गिर्द चीज़ें हो रही थी टर्म हम फिलोसफी को कहते हैं ग्रीक वर्ड्स हैं फिलो मीन लव सोफिया मीनिंग विजडम नॉलेज फिलॉसफी इज लव फॉर द नॉलेज ठीक है लव फॉर द नॉलेज कि आप देखते हैं कि इट इज़ लव फॉर द नॉलेज लव फॉर हम फिलोसफी में जो भी नॉलेज होगा चाहे वो साइंस हो कुछ और ठीक है चाहे वो साइंस हो चाहे वो कुछ और हो उस सब में आपके पास जो नॉलेज है उसको हम देखते हैं उसके बाद डिसिप्लिन जिसमें लॉजिक है सोशोलॉजी है साइकोलॉजी है इसको देखते हैं फिर जो दु, 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 दुनिया में देखते हैं उसके बाद क्या है फिलोसफी द स्टडी ऑफ द नेचर एंड मीनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ह्यूमन लाइफ सो तो ये कुछ डेफिनेशन है जिसको जी हम थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना था तो इसको हम इनशाला जो है वो डिटेल में क्लासेस में थोड़ी सी ओरिएंटेशन आपके साथ रखी थी ताकि आपको बेसिक नोहा हो जाओ हो जाए तो क्लासेस में डिटेल में करेंगे अभी कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली उसको पूछ सकते हैं और आई एम हेयर टू दिस इज द लास्ट सेशन जी दिस इज द लास्ट सेशन बिफोर द एग्जाम्स हाँ जी बिल्कुल हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे ठीक है पूरा सिलेबस कवर करेंगे और इसमें जितनी भी आउटलाइंस होंगी वो सारी की सारी आपको नोट्स की फॉर्म में भी मिलेंगी अस्सलाम वालेकुम सर जी जी वालेकुम सलाम जी एम सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो साइंसेस uh, बैकग्राउंड है सर मैं मैं ना ये अपने बारे में समझती हूँ कि क्रैमिंग मैं अच्छी कर सकती हूँ सर ये जो फिलोसफी सब्जेक्ट है ये है ये इसको समझना पड़ेगा हमें बहुत डीप जाना पड़ेगा क्योंकि जब इसके को हम करते हैं, तो उसके बहुत लगते हैं हमें. Subjects, subjects है, हमारे लाइक like जीपीपी है उनके तो हमें समझ नहीं आते तो सर ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको बहुत डीप नॉलेज या मतलब चाहिए या इसके मैं अंदर आपको बिल्कुल ये आपकी जो अगर आप मेरे साथ ये सेशन अच्छा करते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड यू विल बी एबल टू स्कोर सेवेंटी मार्क्स उससे ऊपर आपकी एफर्ट है जो मैं एडिशनल आपको बताऊंगा वो चीज आपने उसमें अगर आप लिख लेते हैं प्लस ये है ना यहाँ से आपकी एनालिटिकल स्किल्स भी तो अच्छी हो रही है ना एडिशनली देखें अच्छा बुरा अगर आप सिंपली पेपर करके आ रहे हैं ना सिक्सटी मार्क्स आपके आएंगे

बट फिलोसफी के बारे में mostly लोग ये तो है कहते हैं कि बहुत तगड़े ब्रिटिश हिस्ट्री के बारे में स्टार्ट में लोग क्या कहते भी जी, जी सर ऑलमोस्ट तो, वो वो तो बस ये भी उसी तरह ही हम करेंगे क्योंकि मैं आपको एग्जाम के लिए तैयार करवाऊंगा पहले दिन मैं आपको ये बात बताता हूँ बाकी ऑल एल्स

और हम कभी कभी दर-दरमियान में डीमोटिवेट हो जाते हैं तो उसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं और जो सर आपने करंट अफेयर्स के लिए जिस तरह से बताया था कि उसके लिए हमें बहुत ज्यादा फिर बुक्स पढ़ने की शायद ज़रूरत नहीं है जिस तरह से आपने कहा था अपनी वीडियो में ऑब्जर्वेशन को करना होता है इर्द गिर्द को जो करंट हैपनिंग्स uh, हो रही हैं यार देखिये सी जो है ना आपका सिक्सटी परसेंट नॉलेज है फोर्टी ट्वेंटी परसेंट आपकी स्किल्स हैं और ट्वेंटी परसेंट आप वो जो चीज़ों को कवर करते हैं आई बिलीव के ना एक एक देर इज आर टू टू डू थिंग्स वन इज हार्ड वे एंड वन इज स्मार्ट वे अब लोग आपको बताते तो हैं स्मार्ट वे के क्या करें उससे लेकिन कभी कोई बताता नहीं है किस तरह करना है सो आई ट्राई टू अप्लाई दो मैथड्स जिसमें हम उन दोनों चीज़ों को अप्लाई करके उसको उसमें करें उसमें यही होता है कि आप देखें एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स क्या मैंने जब अपने लिए तैयार किया फलोसी को तो आई डी कंस्ट्रक्टेड इट मैंने उसमें देखा कौन कौन से कंपोनेंट्स में इससे क्या क्या एग्जाम एग्जामिनर पूछ रहा है देन आई स्पेसिफिकली प्रिपेर दो एरिया इवन दो पेपर वॉज ट्रेडिशनल थोड़ा आया फिर भी आई गॉट सेवनटी मार्क्स इस तरह से आप उसको करते हैं एनी आउ जी लास्ट क्वेश्चन एंड देन एंडल

एनालाइज किया अच्छा जी इसमें ये चीज़ इस तरह से है ये चीज़ इस तरह से इसको हम ऐसे कर सकते हैं ठीक है सो so, वो तो किसी भी और सब्जेक्ट के साथ है सो वाई नॉट गोइंग विद डैट थिंग जहाँ पे आपका एक्सकोरिंग ट्रेंड भी स्टेबल है एंड यू आर देखें एक सब्जेक्ट को जब आप तैयार करते हैं तो ये नहीं हो सकता कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन ना आते हैं हो सकता है तीन अच्छे आते हो एक अच्छा ना आता हो हो सकता है दो अच्छे आते हो दो थोड़े नॉर्मल आते हो तो फिलासफी में भी यही केस होता है सो इन दिस वे और आपने थोड़ा सा इसको मेरे साथ ध्यान से भी पढ़ें आप कर लें जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर लूँ वो कर लें तो इन दैट वे आप क्या कर सकते हैं कि इसको कर सकते हैं जी थैंक यू वेरी मच जी आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई शैल सी यू इन द क्लास ओके